आज ये यात्रा देवास आई है, आप सबको विदित है। अगस्त क्रांति के नाम से आज ने पुरी जी ने पद यात्रा का आगाज किया है, जो वेन से प्रारंभ हो गई है। 15 अगस्त को शहीद बाग से यात्रा प्रारंभ होकर भगवान 26 तारीख को पहुंचेगी। लगभग 250 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी और 12 दिन का लगभग समय लग रहा है। और चूंकि आम जनता के बीच से होती हुई ये आवाज निकली है, उज्जैन से महाकाल के दरबार से आवाज निकली हुई आज माँ चामुंडा के दरबार में पहुंची है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर जिस तरीके का वातावरण है, भय का वातावरण, महंगाई का दौर, कोरोना की महामारी, भयभीत करने वाले निर्णय, शिक्षा जगत में शिक्षा माफियाओं का जिस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, अवैध भू माफियाओं के संरक्षण देना, रेत का अवैध व्यवसाय करना, सट्टा जुआ जिस तरीके सत्ताधारी दलों ने शुरू किया है, उन सब के विरोध में मोदी जी ने यह पदयात्रा निकाली है। और जिसके समापन में मुख्य अतिथि माननीय कमलनाथ जी होंगे। आप सब प्रेस के सब साथियों को मैं स्वागत करता हूं शहर कांग्रेस परिवार की ओर से, और मैं नूरी जी को माइक सौंपता हूं कि वो अपनी बात आपके सम्मुख रखें। आदरणीय नूरी जी, नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच मौजूद शहर अध्यक्ष मनोज राजानी जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष कप्तान साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी साथीगण, आदरणीय पत्रकार वर्ग, आप सभी को ज्ञात है कि आज किस मकसद के साथ में इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही देवास की सीमा में पहुंची तो मुझे खबर लगी कि कल यहाँ पर सिंधिया आ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंधिया मेरा पीछा कर रहे हैं या मैं सिंधिया जी का पीछा कर रही हूँ। मेरे घर के बाहर से निकलना, मेरी यात्रा के एक दिन बाद यहाँ पहुंच जाना, शायद उनके पहुंचने से पहले ये जरूर पहुंच जाए कि वो एविएशन मिनिस्टर बन जाए या सिंधिया यहाँ आए, शब्द तो एक ही उपयोग में आएगा कि गद्दार सिंधिया, सिंधिया गद्दार थे, हैं और रहे। क्योंकि मेरी इस पद यात्रा में सबसे बड़ा जो मकसद है, कहीं ना कहीं बाबा अंबेडकर साहब के संविधान और मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता ने अपने लोकतंत्र अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर जो अमूल्य वोट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार को दिया था और अपने मताधिकार से कांग्रेस की सरकार बनाई थी, तो उस मताधिकार का हनन इस वर्तमान सरकार ने किया है। ये सरकार लोकतंत्र की नहीं बल्कि लोकतंत्र की सरकार है। इसलिए कई सारे मुद्दे हैं क्योंकि इनका मकसद सिर्फ सरकार में आना था। जिस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि कोरोना है, फ्लोर टेस्ट बाद में किया जाए, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान जी ने मजाक बनाया कि क्या कोरोना, कोरोना से डरो ना। लेकिन बाद में कोरोना की दूसरी लहर में एक साल पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में 19 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का वादा किया था, पर कोरोना की दूसरी लहर जब आ गई और ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश के निर्दोष लोगों ने अपनी जान दे दी, आश्चर्य की बात है कि एक ही परिवार में दो, तीन और पूरे के पूरे परिवार की भी मृत्यु इस कोरोना की वजह से हुई। लेकिन मौतें कोरोना की वजह से नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान की लापरवाही की वजह से हुई। उसके बाद उन मौतों का आंकड़ा छुपाने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। आज जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। पत्रकार बंधुओं, जिस परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रह गया है उस परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इस पदयात्रा में मैंने एक बात सोची, 15 अगस्त को इस यात्रा को शुरू करते वक्त 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसमें सबसे ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। उसी से प्रेरित होकर मुझे महसूस हुआ कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। काफी सोचने के बाद पहले सोचा कि महिला सुरक्षा अधिकार यात्रा निकाली जाए, फिर सोचा कि बेटी बचाओ यात्रा निकाली जाए, फिर सोचा कि साथ में तो हर रूप में चाहे मेरे साथी हो या निष्पक्ष मीडिया हो, मेरे भाई भी मेरा साथ देंगे, इसलिए इस यात्रा का नाम अगस्त क्रांति पर यात्रा नाम रखा गया। बाबा महाकाल के दरबार से यात्रा शुरू ही हुई है। अभी तक हम 40 से 45 किलोमीटर चलकर देवास पहुंचे हैं और कल हम बोरासा पहुंचेंगे। 26 तारीख को इसका समापन आदरणीय गुरु कमलनाथ जी की उपस्थिति में भोपाल में होगा। ये यात्रा महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेमावर की घटना आपको याद होगी, आदिवासी परिवार आपको याद होगा। आदरणीय कमलनाथ जी ने नेमावर पहुंचकर पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की राशि दी, लेकिन खुद को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान के मुंह से आवाज नहीं निकली। क्यों? अलीराजपुर की घटना, धार की घटना, 9 साल की मासूम बच्ची की घटना, लगातार प्रदेश में और देश में भाजपा के राज में बेटियों की इज्जत लुटी जा रही है, तो इस पदयात्रा के माध्यम से महिला सुरक्षा की आवाज हम बुलंद करना चाहते हैं। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी आवाज उठाना चाहते हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो आवाज उठाना चाहते हैं। जो सिंधिया जी जब यहाँ देवास आए, गद्दार सिंधिया, तो उनसे पूछिएगा कि जिन अतिथि शिक्षकों की लड़ाई को सड़कों पर आकर लड़ने वाले थे, आज अतिथि शिक्षकों को नग्न होकर सड़क पर उतरना पड़ा। क्यों? हमारी आशा कार्यकर्ता बहने जिन्होंने कोरोना काल में घरों घर जाकर काम किया, उनके लिए कोई सोच नहीं शिवराज सिंह चौहान की। हमारी नर्स बहने जिन्होंने अपनी जान की परवाह न किए 24 घंटे काम किया, आज वो आंदोलन कर रही है। पंचायत कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, संविदा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज इस पद यात्रा का आगाज हमने किया है, जिसका दूसरा दिन है। आज माँ चामुंडा की नगरी में पहुंची हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप निष्पक्ष रूप से कल जो गद्दार सिंधिया आए, उनसे किसानों का और अतिथि शिक्षकों का सवाल पूछे। सिर्फ मंत्री पद के लालच में लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसका सवाल पूछे। और मैं देवास की जनता से आशीर्वाद चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इस नेक उद्देश्य में हम सफलता मिले। धन्यवाद। जय इसमें इलाज के अभाव में मध्य प्रदेश में लोगों ने अपनी जान दे दी। शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़े जो कह रहे थे, वही सरकार के आंकड़े झूठ कह रहे थे। बड़ा अच्छा सवाल है, जब प्रदेश की जनता मर रही है तो इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे चलने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्रांति आएगी और जनता को सच पता होगा और 2023 में इस सरकार का तख्ता पलट कर रहेगा। कांग्रेस ने सर्वे करवाया था, जो मौतें हुई है उसके आंकड़े को लेकर, तो सर्वे के रिजल्ट आ चुके हैं कांग्रेस के पास? देखिए, लगातार जो सर्वे हम लोगों ने करवाया है कांग्रेस के पास, उसके आंकड़े आ चुके हैं। स्थिति बहुत भयावह है, हमारी सोच से बहुत बाहर है, क्योंकि कोरोना काल में मैंने खुद काम किया। जिस दिन उज्जैन शहर में 60 से 70 लोगों का दाह संस्कार होता था या कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, उस वक्त सरकार के आंकड़ों में 4 लोगों की मृत्यु दिखाई जाती। हमने खुद सर्वे किया, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती है। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त एक पेशेंट अस्पताल में गया कि उसे स्टॉप कोल्ड की प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उसको कहा गया कि सिटी स्कैन करवाइए, उसका 70% या 80% लंग्स में इंफेक्शन आया, उसे कहा गया कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप एडमिट हो जाइए। वो एडमिट हो गए, एडमिट होने के बाद उससे इंजेक्शन मंगवाए गए,
2 से 3 लाख रुपए की इंजेक्शन लगा दिए, उसकी मृत्यु हो गई। तो डेथ सर्टिफिकेट में अस्पताल से जो दिया जाता है उसमें लिखा गया कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई या शुगर की वजह से डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद मामा ने कहा कि मुआवजा दिया जाएगा मरने वालों को, लेकिन मुआवजा किस आधार पर दिया जाएगा? जब उसका परिवार एक विधवा औरत नगर निगम जाती है, नगर पालिका जाती है कि डेथ सर्टिफिकेट देखिए, तो कोज ऑफ डेथ उस सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा गया, मृत्यु का कारण नहीं लिखा गया। तो अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं था तो 3 लाख के इंजेक्शन क्यों लगवाए गए? 6 लाख का प्राइवेट अस्पताल का बिल क्यों बनवाया गया? कर्जे में डूब गया, उसके बाद आपने मृत्यु का कारण नहीं लिखा। ये सरकार की नियत में खोट है और ये जनता समझ चुकी है। देखिए 1,70,000 तो भास्कर की खुद की रिपोर्ट थी, और अगर हम कांग्रेस की बात करें, हम एग्जैक्ट मैं आंकड़ा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन लगभग इसमें 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है लगभग जी। आपके पास ट्विटर पर उनकी ऐसी कोई स्क्रीन शॉट है जिसको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ हो पहले से? नहीं, आपके पास ऐसा है क्या? एक्चुअली बात ये है, हकीकत ये है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष वहां पर मेंशन ही नहीं किया गया था। ये एक भ्रामक खबर है कि उन्होंने हटा दिया, दोनों पद पर है। और पहली बात तो ये कि मुझसे ज्यादा संविधान आप जानते हैं, और संविधान के अनुरूप तो ये कार्यकाल भी हमारा था। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में 15 महीने के अंदर जो काम कमलनाथ जी ने किए हैं वो भाजपा की सरकार नहीं कर पाएगी, ये हकीकत है। 100 रुपए बिजली का बिल कमलनाथ जी ने, और आज बिजली के बिल की क्या हालत है? 1,000 रुपए के बिल गरीबों को दिए जा रहे हैं। तो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पद से कुछ नहीं होता है, नियत से जरूर कुछ होता है। बिजली के बिलों को लेकर जैसे कि लगातार आंदोलन कांग्रेस भी कर रही है, इस तरह से तो प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन देखिए, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। अगर आपने कुछ दिन पूर्व युवक कांग्रेस का आंदोलन देखा, किस तरीके से युवक कांग्रेस ने डटकर मुकाबला किया, सेवा दल का देखिए, हर शहर कांग्रेस कमेटियों ने पेट्रोल पंप पर जाकर धरना देने से लेकर बिजली ऑफिसों में बैठ कर धरना देने से लेकर, लेकिन सच अब आपको दिखाना पड़ेगा। हम सच बोल रहे हैं लेकिन दिखाना तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जब आप भी अपना बिजली का बिल भरते होंगे तो आपको कमलनाथ जी की सरकार जरूर याद आती होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कल सिंधिया कल शुरुआत बताया कि कमलनाथ आगे और सिंधिया पीछे, मैं आ गया सिंधिया पीछे, जिस तरह से आपने उज्जैन में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करा था, कल क्या आपकी अनुपस्थिति में कांग्रेस इस तरह के झंडे दिखाएंगे कमलनाथ को? देखिए मैं गांधीवादी तरीके से जिस पवित्र उद्देश्य से निकली हूँ, मेरा एक अलग उद्देश्य, जिस वक्त मुझे काला झंडा दिखाना था मैंने दिखाया। ये रणनीति यहाँ की शहर कांग्रेस कमेटी बनाएगी वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन गद्दार सिंधिया किसी को एक परिवार में किसी को पिता ज्यादा पसंद होता है, किसी को माता ज्यादा पसंद होती है, क्या वो गुट हो गया? ये तो ताकत होती है। आज मेरे फॉलोवर्स अलग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, किसी और नेता के अलग हो सकते हैं, तो ये कोई गुटबाजी का सवाल नहीं होता है। सब अपनी अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं के साथ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और गुटबाजी का सवाल तो आपको देवास में कांग्रेस एक नहीं है, इसलिए आज तक कांग्रेस यहाँ पे अपना विधायक नहीं बना पाई है। देखिए कांग्रेस कभी भी सत्ता हासिल करने के लिए, विधायक बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, हम अपने उसूलों पर लड़ते हैं, हम देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लोग कुर्सी हासिल करने के लिए लड़ते हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है, हम अपने तरीके से चलेंगे, वो उन्हें उनके तरीके से। मानते हैं आपका शहर अध्यक्ष चाहेंगे तो झंडे दिखेंगे, बहुत चाहेंगे दिखेंगे। विरोध का अलग अलग तरीका, विरोध का अलग अलग तरीका होता है, क्या जरूरी है कि काले झंडे दिखाए जाए? उनके माथे पर तो कलंक लग चुका है, हम झंडे दिखाए या दिखाए वो गद्दार है और रहेंगे। ये भाषा नूरी खान की कांग्रेस की थोड़ी पूरी, क्यों नहीं है? नूरी खान कांग्रेस कमेटी
देखते कल कांग्रेस दिखाती कितनी देर बाद। मैंने कहा नहीं दिखाएंगे, मैंने कहा रणनीति बनाई जाएगी, क्या करना है वो ये तय करेंगे। कब देखते हैं राजनीति में वोट तय करते हैं कि कौन सही है या गलत है। सिंधिया जीत चुके हैं और वापस से वो अपने सिंधिया जी अपने ड्राइवर से हार चुके हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं जब आप सरकार को बेचकर रिश्वत के रूप में जो इनाम मिलना था वो एविएशन मंत्री के रूप में लाए हैं वो, तो आप क्या कह रहे हैं कि जिसकी ताकत होती है वो जीतता है, ड्राइवर से हारने वाले व्यक्ति की क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कट रहे हैं। हाँ ठीक है। कल 15 अगस्त कितने दिन की पद यात्रा है और क्या इसका उद्देश्य है और क्या इसका नाम है और क्यों इसको ये नाम दिया? देखिए, अगस्त के महीने में 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया, युवाओं ने भाग लिया। मुझे ये महसूस हुआ कि फिर से एक क्रांति की जरूरत, इसलिए इस पदयात्रा का नाम हमने अगस्त क्रांति रखा जिसकी शुरुआत उज्जैन से हुई और 12 दिन की यात्रा है। 26 अगस्त को इसका समापन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की उपस्थिति में भोपाल में होगा। सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में मामा की सरकार और भांजे सुरक्षित नहीं है। सर्वविदित है कि सबसे महंगे बिजली के बिल इस सरकार में मिल रहे हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, अतिथि शिक्षकों को सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है, आशा कार्यकर्ता या जूनियर डॉक्टर और नर्स हर वर्ग को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर इस पद यात्रा को आरंभ किया है। आज 40 से 45 किलोमीटर चलकर हम देवास पहुँचे हैं और ये यात्रा अनावरत रहेगी जब तक इस सरकार का तख्ता नहीं पलट जाता, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार लोकतंत्र की सरकार है, वर्तमान सरकार खरीदी हुई सरकार है। तो इस खरीदी हुई सरकार के खिलाफ इस अगस्त क्रांति यात्रा का घोष हमने किया। अभी आपने कहा सिंधिया गद्दार थे, गद्दार है, गद्दार रहेंगे, इसका क्या? सिंधिया गद्दार है क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र की सरकार थी, इस सरकार को जनता ने चुना था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने चुनकर भेजा था, लेकिन सिंधिया जी की नियत में खोट थी, उन्हें मंत्री बनना था, उन्होंने पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश की जनता का जला मताधिकार को बेच दिया और आज वो एक मंत्री पद लेकर एक तमगा लेकर यहाँ पर आने वाले हैं कल। तो मैं कहूँगी कि गद्दार थे, गद्दार हैं और रहे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस अपना परिवार संभालने में उतनी समर्थ नहीं रही जितनी हुआ करती थी? देखिए, कांग्रेस तो समर्थ है, लेकिन जिस तरीके से सिंधिया जी का इतिहास गवाही देता है कि झांसी की रानी के साथ जो छलावा किया गया था और वही छलावा कमलनाथ जी के साथ किया है, जो हुआ वो हम भूल चुके हैं, लेकिन हम फिर से मैदान में आएंगे क्योंकि हमें हमारी लड़ाई जनता के अधिकारों की लड़ाई है। मेरा सवाल शहर कांग्रेस देखिए, मैं लगातार जब तक कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, मेरा संकल्प है, क्योंकि कमलनाथ जी इस प्रदेश की जनता का वो चेहरा है जिसे अपने मत के अधिकार से जनता ने चुनकर भेजा था, जब तक सरकार कांग्रेस की नहीं बन जाती, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की और युवाओं की सरकार होगी, तब तक मैं अपने नए नए तरीके से इस सरकार, सोती हुई सरकार को उठाने के लिए प्रयास करती रहूंगी। हमारा सवाल शेयर कांग्रेस अध्यक्ष है कि क्या कल सिंधिया का कोई विरोध हम देख पाएंगे? अभी रणनीति क्यों खुलासा भी नहीं कर सकता मैं आपसे।